हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज इट बर्न्स, यानी हाइड्रोजन ये एक ज्वलनशील है और वो खुद जलता है. ऑक्सीजन हेल्प्स कंबर्शन, ऑक्सीजन ज्वलन के लिए हेल्प करता है, कंबशन के लिए वो हेल्प करता है. बट वॉटर विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज टू एक्सटिंग्विश अ फायर. लेकिन जो ज्वलन के लिए मदद करता है, लेकिन जो दो एलिमेंट्स के संयोग से बना हुआ जो वॉटर रहता है, तो वो जो फायर बुझाने के लिए हेल्प करती है. उसमें से जो कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज है, तो वो घटक ये एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से अलग रहते हैं. लाइक एन एलिमेंट, अ कंपाउंड इज ऑल्सो रिटर्न इन एन एब्रिज फॉर्म, यानी संक्षिप्त रूप में वो लिखते हैं. जब कभी भी एलिमेंट कंपाउंड ये जब लिखना रहता है, तो वो एवरेज फॉर्म में लिखते हैं. अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. देयरफॉर अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड. अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम रिटन विद द हेल्प ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटम्स. अ मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मिक्सचर ये बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स से फॉर्म होता है. द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड. नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. यानी मिक्सचर तैयार करते वक्त उसमें कौन सा भी केमिकल चेंज नहीं होता है और ना ही कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. You might remember that mixing unwanted substance in any foodstuff is called adulteration. जब एक जब कोई सब्सटेंस में अनावश्यक या हानिकारक अगर दूसरा सब्सटेंस अगर मिलाया जाए, तो जो मिश्रण तैयार होता है वो यानी unwanted in any foodstuff is called adulteration. यानी अपने यू माइट रिमेम्बर दैट मिक्सिंग अनवांटेड, यानी अपने जो खाद्य पदार्थ में जो हम कुछ खाते हैं, तो उसमें अगर अनवांटेड सब्सटेंस मिलाया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ है, उसे हम बोलते हैं भेसल. यानी तो भेसल बोलते हैं, यानी एडल्ट्रेशन. तो ये एडल्ट्रेशन, ये जो वर्ड है एडल्ट्रेशन, तो ये भी एक इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिक्सचर, यानी ये मिक्सचर का ही एक प्रकार है. वेन एन अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इज मिक्स्ड विथ अनदर सब्सटेंस द रिजल्टिंग मिक्सचर नो लॉन्गर रिमेन्स यूजफुल. क्योंकि वो अगर किसी पदार्थ में अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस अगर मिलाया गया, तो वो मिक्सचर उपयुक्त नहीं रहता, यानी यूजफुल नहीं रहता है. इस टाइम उस मिक्सचर से यानी मिक्सचर से जो अनवांटेड जो घटक रहते हैं, वो अलग करने के लिए उसके लिए कौन से प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं, तो वो हम देखते हैं. वी सेपरेट द अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मिक्सचर एंड फॉर दिस पर्पस सिंपली एंड इजी मेथड सच एज स्ट्रेनिंग सिफ्टिंग. स्ट्रेनिंग मीन्स फिल्टरिंग, सिफ्टिंग पिकिंग सॉर्टिंग विनोइंग कॉम्बिंग विथ अ मैग्नेट. मैग्नेट की यूज से हम वो अलग करते हैं जो अनवांटेड चीज उसमें मिलाई रहती है. एंड सब्लिमेशन आर यूज्ड
विच इंग्रेडिएंट्स फॉर विच मिक्सचर्स कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड्स. वी हैव लर्न्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट्स ऑफ हीट. दिस प्रॉपर्टीज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. यानी यही प्रॉपर्टीज हमें उच्च यही प्रॉपर्टीज हमें उस मिक्सचर में जो अनवांटेड चीजें हैं वो अलग करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं. अब हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 97, इसमें ये डायग्राम दिए, ये फिगर दिया हुआ है, पिक्चर. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. तो जो सम मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो हम ये देख रहे हैं, ये जो औरत है, ये जो वुमन है, ये इस तरह ये सेपरेट कर रही है. देन ये सेकंड, ये थर्ड मेथड, ये देन ये. तो इसी मेथड से मेथड ऑफ सेपरेटिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो ये सब मेथड्स है. अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. सबसे पहले हम ये फिगर देखते हैं, डिस्टिलेशन मेथड. ये फ्लास्क है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है जिससे हीट दी जा रही है, ये नेट है, ये स्टैंड को ये राउंड बॉटम फ्लास्क रखा हुआ है, और ये है कंडेंस्ड, इसमें का जो है कंडेंस्ड वाटर, ये थर्मामीटर, ये जो नली है इससे ये वाटर, और ये फ्लास्क में जो ये ब्लू दिख रहा है ये वाटर, और ये जो कंडेंसर है इसको, ये जो नली लगी है इसमें से भी वाटर है. तो ये है डिस्टिलेशन मेथड. अब हम इसे पढ़ते हैं, क्या है ये मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. ये है सेपरेशन मेथड. तो ये नीचे हमें दिख रहा है बीकर, उसमें वाटर, उसके बाद ये स्टॉपकॉक, केरोसिन, सेपरेटिंग फनेल, उसमें है ऊपर का जो लेयर है जो ब्लू दिख रहा है वो केरोसिन, वाटर. तो ये है सेपरेटिंग मेथड. यानी सेपरेटिंग मेथड में कैसे सेपरेट करते वो हम देखते हैं. देन अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. देन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हैव फॉर्म. अभी हमने वो देखा है फिगर में कि जो केरोसिन एंड वाटर जो कि वो एक मेक में मिक्स नहीं होता है वो क्लियरली दिख रहा है, तो उसे सेपरेट कैसे करते हैं. द हेवियर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स बिलो एंड ए हायर लिक्विड फ्लोट्स ऑन इट. जो हेवियर जो मिश्रण है वो नीचे रहता है और जो हायर जो रहता है वो उस पर. हेवियर ऑफ लिक्विड रिमेन्स बिलो, जो हेवियर लिक्विड रहता है वो नीचे रहता है और जो लाइटर लिक्विड रहता है वो उस पर फ्लोट करता है. टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी से हमें ये टू लिक्विड्स का मिक्सचर है वो सेपरेट करना है.
प्रोसीजर पोर मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वॉटर इन टू अ सेपरेटिंग फनेल विथ इट्स स्टॉप को क्लोज्ड क्लोज द स्टॉपर फिक्स द सेपरेटिंग फनेल फाइनली ऑन अ स्टैंड लीव द मिक्सचर इन द फनेल अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल वॉटर विल रिमेन्स बिलो एंड केरोसिन विल फ्लोट ऑन इट नाउ विदाउट शेकिंग द फनेल रिमूव द स्टॉपर व्हेन द स्टॉप कॉक टू कलेक्ट द वॉटर एट द बॉटम ऑफ द फनेल इन अ बीकर एट द बॉटम ऑफ द फनेल इन अ बीकर क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वॉटर इज कलेक्टेड इन द बीकर नाउ केरोसिन एंड वॉटर आर सेपरेटेड अब हम आते हैं मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये है मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये जो दिख रहे हैं हमें तो अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें जो गंदा पानी रहता है इंक मिल्क बटर मिल्क ब्लड आर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड एंड इनसोल्युबल सॉलिड यानी ये ऐसी लिक्विड्स है और इनसोल्युबल मिक्सचर्स है इन मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड एंड इनसोल्युबल सॉलिड्स व्हेन टर्बिड वॉटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल द सॉइल पार्टिकल्स इन इट स्लोली सेटल टू द बॉटम जब गंदा पानी हम रखते हैं अनडिस्टर्ब यानी उसको कुछ भी हिलाते नहीं है तो उसमें की जो सॉइल पार्टिकल्स रहती है वो स्लोली सेटल टू द बॉटम द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक हाउएवर डू नॉट सेटल इवन ऑन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब लेकिन अगर मिल्क और इंक का इसके ऐसा वो नहीं होता है उसका जो पार्टिकल्स रहता है अगर हमने उसको भी अनडिस्टर्ब करके रखा तो ऐसे उसका पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठता है दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इन सच मिक्सचर्स बीइंग वेरी टाइनी एंड लाइट ये होता है इसकी वजह से होता है कि उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो वेरी टाइनी एंड लाइट रहते हैं रिमेन्स इवनली डिस्टर्ब इन द लिक्विड्स दिस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इवन बाय द मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन और सेटलिंग यानी उन पार्टिकल्स को हम वो जो मेथड्स रहती है फिल्ट्रेशन और सेटलिंग उसके उससे भी हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द लेबोरेटरी अ सेंट्रीफ्यूग मशीन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड टू इन कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क which rotates like a fan at great speed. There is a provision to attach test tube at the rim of this disc. When the tubes attached to the disc rotate at high speed, a force is generated which pushes the particles away from the center. As a result, the solid particles in the mixtures in the test tube collect at the bottom of the tubes and are thereby separated from the liquid. तो इस सेंट्रीफ्यूग मशीन से हम वो पार्टिकल्स उससे अलग कर सकते हैं जो टाइनी रहते हैं लाइट रहते हैं वेरी स्मॉल रहते हैं अब आते हैं हम मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये है पेज नंबर टेक्स्टबुक पेज नंबर 99 और ये है मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी इसकी फिगर फिल्टर पेपर स्पॉट ऑफ इंक देन तो अब हम जानते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और कैसी होती है मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी में If two or more substances are dissolved in small portion in the same solution, यानी एक या एक से अधिक जो substances है
जो अल्प प्रमाण यानी स्मॉल प्रोपोर्शन में जो डिजॉल्व होते हैं इन अ सोल्यूशन, तो दिस सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मीन्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. दिस मेथड इज यूज्ड इन फार्माक्यूटिकल साइंस फैक्टरीज, साइंटिफिक लेबोरेटरीज फॉर डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अब उसका प्रोसीजर हम देखते हैं. टेक सम वॉटर इन अ बीकर, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर, बट वन स्पॉट ऑफ ब्लू इंक ऑन इट अबाउट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वन एज. कीप दिस पेपर अपराइट इन द वॉटर इन द बीकर. प्लेस अ लीड ऑन द बीकर. आफ्टर सम टाइम द स्पॉट ऑफ द इंक इज सीन टू हैव राइजन एंड कलेक्टेड ऑफ अ पर्टिक्युलर हाइट ऑन द फिल्टर पेपर. इफ देयर आर 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द इंक, दे विल बी सीन टू हैव राइजन टू डिफरेंट हाइट्स ड्यू टू देयर डिफरेंट कलर्स एंड दस अपीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन यूजिंग अ चॉक स्टिक इंस्टेड ऑफ द फिल्टर पेपर इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज. दीज आर द सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप एंड द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टिक टू द स्टेशनरी फिल्टर पेपर. दीज प्रॉपर्टीज आर म्यूचुअली अपोजिट एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. एज अ रिजल्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट राइज ऑल द वे टू द अपर एंड ऑफ द फिल्टर पेपर बट रिमेन्स बिहाइंड एट डिफरेंट हाइट्स. इस तरह से क्रोमेटोग्राफी से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.